सच है। पाकिस्तान में पवित्र नानकाना साहिब गुरुद्वारे में जिस तरह की इन पाकिस्तानी टोपी छापों ने हिंसा की सिखों पर और गुरुद्वारे पर पथराव किए गए, इससे ये साफ नजर आता है कि ये टोपी छाप कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे वो जबरन शादी करके धर्म परिवर्तन करना हो, चाहे पथराव कराना हो, ये इन सब कारनामों को अंजाम देने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान हर मसले पर झूठ बोल के अपने ही जाल में फंस जाता है, जिसके बाद वो सफाई देने लगता है। इन महाशय को तो आप जानते ही होंगे, ये फवाद चौधरी हैं। जब नाना साहिब गुरुद्वारे पर हुई पत्थरबाजी और सिखों को धमकी देने के मामले सामने आने लगे तो भारत में काफ़ी नाराजगी जताई है। सिखों की सुरक्षा की मांग की जा रही है कि घुसाई भीड़ ऐतिहासिक गुरुद्वारे को बचाई जाए। आपको बता दें कि वही स्थान है जहां गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त ये स्थान पाकिस्तान में पड़ गया, जिससे ये पाकिस्तानी इस गुरुद्वारे को तोड़ने के ख्वाब देख रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद चौधरी ने इस खबर को झूठा करार दिया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट करके जवाब देते हुए लिखा है, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने काफ़ी समय पहले 2013 में ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी झूठी खबरों से निपटना। यानी कि इस फवाद चौधरी का मानना है कि ऐसी कोई पथराव गुरुद्वारे पर नहीं हुआ है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए गुरुद्वारे की सुरक्षा बढ़ा दी है।